तो जैसे मैंने क्रोम ओपन किया है और आपने यहाँ पे सर्च करना है जी सी की लॉगिन, और यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन विद जी सी की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू लॉग इन इन टू योर IRCC अकाउंट, यानी आप जीसी की में लॉग इन कैसे करोगे और आप चेक कैसे करोगे कि आपका बायोमेट्रिक्स अपडेट हुआ है कि नहीं, आपका मेडिकल अपडेट हुआ है कि नहीं, आपकी PPR आई है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जौन सा भी आपका वेब ब्राउज़र है। तो जैसे मैंने क्रोम ओपन किया है और आपने यहाँ पे सर्च करना है जी सी की लॉगिन। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपने ये सबसे पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसके बाद ओपन होने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन विद जीसी की। तो ये ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड। तो अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एजेंट को पता होगा, तो आप उससे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मांग लेना और यहाँ पे एंटर करके आपने करना है साइन इन। साइन इन होने के बाद आपको ऐसे आ जाएगा वेलकम, आपका यूज़र नेम लिखा और होगा, तो आपने यहाँ पे करना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो जैसे ये देखो ओपन नहीं हुआ, ये साइट बहुत ही बिजी रहती है IRCC की, तो आपने बार बार ट्राई करना है, यहाँ से बैक जाना है। ये देखो आ गया ना इनवैलिड सेशन। तो ये बहुत बारी होता है ऐसे, ये साइट बहुत बिजी रहती है, आपने बैक जाना है। और आपने फिर से क्लिक करना है साइन इन विद जीसी की पे, और जैसे ये देखो ये आ गया टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है, आई एक्सेप्ट। तो ये देखो फिर से ओपन नहीं हुआ, ये साइट में इशू है। ये फिर आपने बैक जाना है, बैक जाना है फिर से साइन इन विद जीसी की। आपने इसे रिपीट करते रहना जब तक लॉगिन ना हो, ये लगता है फिर नहीं होगा। तो आपने टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद ये सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ माय फेवरेट फूड। तो ये अगर आपकी एजेंट ने आपकी आईडी बनाई है तो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हो कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे टाइप करूँगा अपना फेवरेट फूड, टाइप करके करेंगे कंटिन्यू। और देखो इसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो हमारे अकाउंट की डिटेल्स चेक करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पे चेक फुल एप्लीकेशन स्टेटस, तो इसे ओपन कर लेना है। तो ओपन हो रहा है ये अभी। ये देखो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं और ये एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे ये देखो सारा कुछ आता है, रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी। जैसे ये मेरा 11 जुलाई को रिव्यू हुआ है, योर एलिजिबिलिटी हैज़ बिन रिव्यूड, मेडिकल का आपका यहाँ पे अपडेट होता है। इसके बाद ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी भी नहीं। इसके बाद ये बायोमेट्रिक्स का आता है, किस दिन अपडेट हुए थे, बैकग्राउंड चेक, और ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फाइनल डिसीजन, ये मेरा 11 जुलाई को मेरी ये भी अप्रूव हो चुका है। के बाद आप नीचे आओगे तो जिस दिन आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे ना, उस दिन आपके यहाँ जीसी की में सिर्फ ये तीन रो ही शो होंगी, ये तीन।
कन्फर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसमिशन, सबमिशन कन्फर्मेशन, बायोमेट्रिक्स, कलेक्शन लेटर। तो जिस दिन आप अप्लाई करोगे ना, ये सिर्फ तीन रोज ही शो होंगी, ये तीन रोज सिर्फ। ये ऊपर वाली जो तीन रोज है ये तब शो होती है जब आपका वीज़ा आ जाता है। देखो ये 12 अप्रैल को मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, ये दोनों उसी दिन आएगी, ये वाला रो और ये वाली, ठीक है, ये दोनों उसी दिन आएगी जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे। ये वाली रो बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर की है, उसी दिन भी आ सकती है और क्या पता अगले दिन आए। जैसे ये देखो मेरी अगले दिन आया था ये 13 अप्रैल को, और जैसे मेरा वीज़ा 7 जुलाई को आया था तो ये दोनों 7 जुलाई को आए थे, ये कॉरेस्पोंडेंस लेटर और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, ये दोनों 7 जुलाई को शो हुए। इसके बाद जो मेरा फाइनल लेटर अभी ये आया है 12 जुलाई को, तो 12 जुलाई को, ठीक है। तो ऐसे जीसी की आप अपनी देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट स्टेटस ये भी आपका लास्ट में ही आता है, ये बेसिकली आपका पासपोर्ट शो करता है कि ये देखो ये लिखा हुआ है योर डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड, यानी मेरा पासपोर्ट बिल्कुल सही था। तो ऐसे आप अपनी फाइल को चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आपने अपना जीसी की को लॉग आउट कर देना है। कंटिन्यू। ये थी यार मेरी हाउ टू लॉग इन इंटू योर IRCC अकाउंट की वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो दिस इज फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।